सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। श्री राम टावर मोबाइल मार्केट में पुलिस टीम और एप्पल मोबाइल के अधिकारियों द्वारा की गई छापेमारी के बाद चार दुकानदारों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस द्वारा की गई इस छापेमारी के चलते दुकानदारों में खलबली मच गई और वो अपनी दुकानें बंद कर भागते नजर आए। हालांकि छापेमारी के बाद भारी मात्रा में नकली सामान को सीज कर दुकानदारों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। गौरतलब है कि एप्पल मोबाइल के जनरल मैनेजर द्वारा एसएसपी दीपक कुमार को मार्केट में नकली सामान बेचे जाने की जानकारी दी, जिसके बाद एसएसपी दीपक कुमार ने सीओ हजरतगंज अभय कुमार मिश्र को पुलिस बल उपलब्ध कराने के साथ कार्रवाई करने का आदेश दिया। सोमवार को हुई छापेमारी में डॉक्टर एसोसीरीज के जसपाल सिंह, श्री गणेश कम्युनिकेशन के नितिन और मैसेज एसोसीरीज के आलोक गुलाटी के साथ यूपी एसोसीरीज के मालिक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की गई। कंपनी में जनरल मैनेजर हूँ। मेरे को विश्वसनीय सूत्रों से पता चला था कि एप्पल का नकली माल बेचा जा रहा है, इसीलिए उसके का पेपर लेकर हम अपने फोर्स से एसएसपी साहब से मिला, सीओ साहब से मिला और थाने की टीम लेकर आया हूँ जांच करके और नकली माल लेकर जाऊँ। कहाँ कहाँ छापेमारी की आपने? चार दुकानों पर किए हैं। उसका नाम हमारी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। अच्छा, किस विभाग से हैं आप? मैं कंपनी में डिप्टी जनरल मैनेजर से। किस कंपनी में? एप्पल कंपनी से। सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।